गुरु जो है खाली खुली हो, ना प्योरिटी हो, ना उसके पास लर्निंग हो, ना उसके पास नॉलेज हो, वो कैसा गुरु हो सकता है? ठीक है। और इल्म की अहमियत की बात करें अगर हम, ठीक है, तो कहा गया कि तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। यहां से अगर हिंदुइज्म की बात करोगे आप, तो वेदास का नाम सुना है ना आपने, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म वेदास है ना। वेद क्या होता है? वेद, द वर्ड वेद इज डिराइव्ड फ्रॉम विद्या, ठीक है। विद्या मीन्स नॉलेज। जिस मजहब की किताब का नाम नॉलेज हो और उस मजहब को मानने वाला शख्स बता रहा जो है बगैर नॉलेज के हो, ये तो अलमिया होगा ना। तो सबसे पहले आप जो है, आप आज के बाद ये कंसेप्ट छोड़ दो कि हम जो है जाकर जो है किसी स्कूल में 10 से 4 बजे के टीचर हैं, नहीं। हाँ, आज सबसे ज्यादा जो है ना टीचर का मकान खो चुका है। याद रखना कि आप ये बात नहीं, ऐसा कंसेप्ट जहन में ना रखिए कि आप जो है आपको बताया जाएगा प्राइवेट स्कूल के टीचर है। नो, टीचर कम्युनिटी एज ए होल हैज लॉस्ट इट्स जो इज्जत और मकान था ना, वो खो चुका है। क्यों? उसकी कुछ चीजें हैं, मैं आपको यहां पर यह नहीं बताने वाला हूं, आप मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट है टीचिंग में, ठीक है। मैं आपको जो है कुछ बेसिक जो चीजें बता रहा हूं, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों क्यों ऐसा हुआ है? व्हाट आर द मेन, मतलब जो काज है इसके पीछे, क्या वजह है, हमने क्यों ये मकाम खोया है? क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचर्स थी वो हम पूरी नहीं कर पाए, ठीक है। और वही चीजें, चंद चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ के बाद। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्योरिटी के बाद, एक पेशन फॉर लर्निंग के बाद, आपको जो तीसरी चीज रिक्वायर होगी वो क्या होगा? तीसरी चीज जो है वो पर्सनैलिटी है। अपनी शख्सियत को आपने जो है ना एक खास शेप देनी है, ठीक है। आपके कुछ स्पेशल एसओपीज होने चाहिए, आपकी जिंदगी जो है दूसरों के लिए एक नमूना कैसे बने, वो चीजें आपने अपने अंदर ढालनी। और पर्टिकुलरली इसको मैं स्कूल करिकुलम या स्कूल के विदिन की बात ले आऊंगा, ठीक है। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट एवरीवेयर, एक्सेप्शंस हो सकती है। मैंने एक मूवी देखी है, थ्री इडियट्स, आप लोगों सबने देखी है, ठीक है। उनका जो टीचर था ना वो काफी, देखे ना आप, वो भी एक खास शक्ल के टीचर होते हैं, ठीक है, वो जुनूनी टीचर होते हैं। लेकिन मैं आपको उसके बरक्स में कॉमन की बात करूंगा, एक्सेप्शंस की बात नहीं करूंगा। जब भी आप स्कूल में जाते हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी एक डिसेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है? आपका ड्रेस कोड है, ठीक है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, ये सारी चीजें जो है एक खास मेयार पर होनी चाहिए, ठीक है। देखो आजकल जो है हम बच्चे कहते हैं देखो ये ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, या इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अगर टीचर उनका उसी पैटर्न पे है तो आप ब्लेम कर सकते हो? मेरे साथ सर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कितना बेहतर होगा। मैंने देखा फिनलैंड एंड जो हायर जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे जिनके टॉप रैंकिंग के कंट्रीज है वहां के